Hey, good evening guys. Welcome back to my vlog. कैसे हैं आप? I hope आप सबका करवा चौथ का फेस्टिवल अच्छा रहा होगा. और बेस्ट विशेस टू एवरीबडी. तो गाइज, आज सारा दिन मेरा सोते हुए निकला. आंखें देख लो, क्योंकि मेरा ऑफ था आज. और वो लॉन्ग फ्लाइट के बाद 15 घंटे और ये सब, मैं काफ़ी टायर्ड था, तो निकला ही नहीं मैं कहीं आज बाहर दिन में भी. तो बस अभी शाम को मैं निकला हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं. नम्रता साथ में है. Hello. तो उसकी आवाज़ भी ऐसी निकली. हेलो. बैठे बैठे आदमी ऐसे ही हो जाता है. नहीं, मेरी भी कल की थकावट नहीं उतरी यार. बहुत लंबा फास्टिंग था और पता चला इस बार या तो वर्किंग था, सुबह स्कूल भी था, तो काफी टायर्ड थी. रात तक तो मेरी पूरी घंटी बज गई थी. पर थैंक यू टू मून, बहुत जल्दी आ गए थे चंदा मामा हमारे, तो वो काफी रिलीफ हो गया. पर ठीक है, ओके, आज सही हो जाएगा, रात को सोएंगे तो. तो गाइस, इसका थैंक यू मैं मून जी को पहुंचा दूंगा. तो खैर, टायरिंग हो गया था, इसके लिए भी हेडेक हो गया था बाद में, क्योंकि एक्चुअली मैं प्रीवियस नाइट, मैं जो लॉन्ग फ्लाइट से आया था, जब मैं रात को 1 बजे घर पहुंचा तो ये जाग रही थी. फिर सुबह 4 बजे सरगी के लिए इसको उठना था, फिर ये 4 बजे उठ गई, तो उसके बाद सो ही नहीं पाई. फिर 6 o'clock चली गई अपना जो स्कूल का रूटीन है. यहाँ सब कुछ कुवैत में काफ़ी अर्ली है, चाहे स्कूल हो या ऑफिस, सब 7-7.30 बजे लग जाते हैं और 2-2.5 बजे छुट्टी हो जाती है. तो फिर ये आई तो फिर पूजा की तैयारी करने लग गई. तो फिर 4-4:30 पूजा करी, फिर 5-5:30 बज गए. तो फिर उसके बाद आगे की तैयारी करने लग गई कि भाई जो थाली वगैरह बनानी थी और आटे के पूड़े होते हैं, आटे के पूड़े बनाते हैं और कुछ दाल मखनी, काली दाल बनाते हैं, तो वो सब उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा ये लग गई. तो फिर सो तो पाई नहीं, रेस्ट भी नहीं कर पाई, तो फिर इसका रात तक हेडेक हो ही गया था. तो मैंने कहा एकदम मत खाना, बिल्कुल तबीयत खराब हो जाएगी. तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बारी खाया और फिर ये सोने चली गई. मैं तो बल्कि अपना बैठा ही रहा, आईपैड पे कुछ देख रहा था. तो इसीलिए आज इसका भी थोड़ा बिजी रहा, मैं भी सारा दिन आज सोता ही रहा, कुछ खास काम नहीं किया. तो बस अभी कहीं निकले हैं, थोड़ा बहुत मार्केट का काम है तो फटाफट निपटाते हैं. सुबह फिर एक फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग, तो फिर साइड बाय साइड बात भी करते हैं और देखते हैं कहाँ की फ्लाइट है और उस बारे में भी बात करते हैं. तो चलो कुछ सुपरमार्केट चलते हैं गाइस. शॉपिंग फिनिश, थोड़ा बहुत सामान लेना था तो फटाफट मैंने कहा लेते हैं. कल एक्चुअली में मेरी एक ले ओवर फ्लाइट है, तो नम्रता ने बोला फटाफट कुछ सामान ले दो ग्रॉसरी, तो चलो सामान उठाते हैं. तो गाइस, अभी हम आ गए हैं गार्डन, यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी सैर. अंधेरा काफ़ी है, लाइट कम है. तो सुपरमार्केट का काम ख़त्म हुआ तो मैडम कहती मैं 100 ग्राम घटा लूं. तो फटाफट करते हैं 10-15 मिनट सैर, थोड़े सी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से सर्कुलेट करते हैं बॉडी में और फिर चलते हैं घर की तरफ. डिनर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो रहे हैं. इधर जनरली गार्डन में रश होता है 6 बजे, 5 बजे, 7:30-8 बजे तक. अब 8:30 हुए हैं तो बस बिल्कुल सन्नाटा हो गया है. हमारे पेट यहाँ पे फेवरेट वाले बिल्ली मौसी कुछ नहीं कहेगी. देखो मैं पास से निकल गया, कुछ भी नहीं, डरती भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया यहाँ पे कैट्स को काफ़ी अच्छा मानते हैं. इंडिया की तरह नहीं है कि रास्ता काट गई बिल्ली, चलो ये हो गया वो हो गया. तो गाइस, सैर फिनिश. एक राउंड काटा, 1 किलोमीटर का था, 12 मिनट लगे.
अरे पुराना वाला, यहाँ कभी अपना वेट करता था जो, पर मैंने तो आज देखा यार, लाइक कुछ नहीं, चाय वाय और ये पकोड़े चकोड़े बेचते हैं। बड़े बड़े होंगे इसके, इतनी बड़े। यही है इसका मानना है कि अंदर जाके 200 ग्राम घटाओ फिर यहाँ के 400 ग्राम बढ़ाओ। तो गाइस शहर खत्म, फटाफट घर चलते हैं। जाओ जाओ पास जाके देखो। तो गाइस इसको वो ट्रक देखना क्या है, तो ये देखें। तो गार्डन के पास ऐसी चीज़ों का तो मतलब ही नहीं है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देना है तुमको गुंडा। तो गाइस यही गार्डन के बाहर ट्रक खड़ा हुआ है, काफी टाइम से नम्रता ने शायद पहले नहीं देखा। तो मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है, चाय वाय पीनी हो तो ठीक है, लेकिन एकदम सैर वैर करो उसके बाद आके खा पी लो पकोड़े, जैसे कि मैंने आपको दिखाया उसमें चिकन पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा और अलग अलग तरह के। आज देखो तो, चंदा मामा कितनी जल्दी निकल आए हैं, कल देखो कितनी देर से। हेलो चंदा मामा, रोज जल्दी निकला करो। हेलो हेलो बाय चंदा मामा, तो दिखा दो हेलो कर रहे हो। ये लो नम्रता की फरमाइश पे चंदा मामा भी देख लेगा इस जैसे कि किसी ने देखा नहीं कभी। नहीं ये कुवैत का चंदा मामा है, ये कहाँ देखा है सबने, दिस इज कुवैत का चंदा मामा। सही है, चलो बैठो गाड़ी में बैठो। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज व्लॉग। तो आज सब कुछ हो गया, वैसे तो आज सुबह से बड़ा दिन ऐसे ही था, मैं आराम करता रहा तो शाम को निकले, कंटेंट भी निकल आया, सब कुछ हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, मास्क पहनते रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोई भी आपको बोले, आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री, आपके दोस्त कि अब मास्क उतर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ओपन में, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है। तो ऐसा ही होता है गाइस, हम आम आदमी हैं, ये क्रू की लाइफ है। कोई भी आदमी रोज़ मॉल नहीं जाता, कोई पार्टी नहीं, रोज़ पार्टी नहीं करता, वीकेंड पे वेट करते हैं हम पार्टी कर लें। तो ऐसा ही है, आज अच्छा हुआ अभी शाम को निकले, कॉन्टेंट निकल आया, तो बस वीडियो बन गया, मैंने आप लोगों से बात कर ली। तो ऐसे ही एक दिन चलता है, ऐसे ही ये लाइफ है, जैसे जो मेरा चैनल है क्रू लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ, तो क्रू लाइफ ऐसे ही है। अब कल पता नहीं मैं व्लॉग बना पाऊँ ना बना पाऊँ, कल एक फ़्लाइट है लंबी, फिर देखते हैं, बात करते हैं, जो भी ले ओवर फ्लाइट है डेस्टिनेशन पे जाके बात करते हैं, कुछ करते हैं। तो स्टे सेफ गाइस, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, गुड नाइट।